बटाला के गुरदासपुर रोड पर पंजाब बंद के चलते शिवसेना की तरफ से प्रदर्शन करते हुए वहां स्थित एक मोबाइल रिपेयर की दुकान खुली देख पहले तो दुकान मालिक को दुकान बंद करने को कहा। दुकान मालिक जितेंद्र सिंह ने बताया कि उसके बाद उस पर हमला कर दिया गया और दुकान में घुसकर दुकान के काउंटर के शीशे तोड़ दिए और काफी तोड़फोड़। जितेंद्र ने बताया कि वह नौजवान गाली गलौज भी करते रहे और जाते जाते मोबाइल फोन और उनका लैपटॉप भी चुरा ले गए। वहीं दुकान मालिक की तरफ से इस मामले में पुलिस थाना सिविल लाइन को शिकायत दर्ज करवाई गई है। सर मैं 11:30 में अपनी वाइफ दवाई लेके आया ही, शटर खोलिया वा गलै सरपंच साहब मेरे को आए ने, एक्स सरपंच नाल पोतरी है, मैंने रिक्वेस्ट की रीचार्ज कर दो। मैं शटर खोलिया ही अजे उन सपोर्ट में 20-25 जने पै गए, बंद करो। मैं रीचार्ज करा 2 मिनट वेट करो, पिछले 4-5 जने बेसबाला हाकियां ला के मैंने पै गए ने, मेरे दुकान का समान भन गए, मोबाइल मेरा नाल लगे आ। उस तो बाद मेरे पड़ोसी सारे गुआढ़ी थे ये आने के पै गए, तो फिर भज गए, पुलिस सारी ऑन द स्पॉट आ गई, मामला ठंडा करता चल गए। उस टाइम अभी किसी ने कोई मामला कोई गाल मंदा किसी ने कुछ नहीं कटिया, मैंने उन्हें सारे गाला कड़िया उन्होंने, बहुत वधिया वा ऑन द स्पॉट ही वधिया ही, हूँ भी वधिया वा ऑन द स्पॉट भी उत्थे वधिया ही। पांच दरखास्त दी दी काउंटर भन गए ने, एक मोबाइल मेरा परसन वो भी लै गए, एक डिवाइस पर भी नाल लै गए, एक कस्टमर का समान लैपटॉप छोटा जहा ही रिपेयर होना है वो भी नाल उत्थे लै गए ने, वो खैर मैं लिखाया नहीं वेद पर मैं कोई गल मदा नहीं ना क्या, जितने मर्जी सौंक जाना सारे बंद मेरे सामने सारे मैं पछाण लाँगा। ऑन द स्पॉट मंदिर से खलो के सौ हाए कहते पहला गल जो मैं क्ढी है मैं सॉरी फील कर दाँगा। गुरदासपुर से नेशनल बस के लिए भोपाल सिंह की रिपोर्ट।